नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आज हम बात करेंगे इस गूगल तेजाब के बारे में। मुझे पता है कि आप सभी लोग इस बेटर लक नेक्स्ट टाइम से बहुत ही परेशान हैं और इसे रिमूव करने के लिए आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उन ट्रिक्स को आपने ट्राई भी किया है। अगर आपको उन वीडियोस का थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने भी इन सभी वीडियोस को देखा है और पिछले एक महीने से मैं सभी ट्रिक्स को ट्राई कर रहा हूँ और अब मैं आपके साथ इन सभी ट्रिक्स के रिजल्ट्स को शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक मैंने जो वीडियो में देखा है, जो किसी ने पोस्ट किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो, यानी कि तेज में, और आप अमाउंट टाइप करते हो 150 करके, तो उसके नीचे आपको लिखना है कि स्क्रैच कार्ड करके। तो इससे क्या होगा, आपको जो स्क्रैच कार्ड मिलेंगे उसमें आपको पैसे मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जब मैंने इस ट्रिक को ट्राई किया तब मुझे क्या मिला, तो यही मिला यार, कुछ नहीं मिला, बस बाबा जी का। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हर बार यहाँ पे नया अकाउंट्स में पैसा भेजना है, यानी कि डू ट्रांजेक्शन विद न्यू अकाउंट्स। तो ये नया अकाउंट्स लाना बहुत मुश्किल है यार, हर बार हम नया अकाउंट्स नहीं ला सकते हैं। तो फिर भी मैंने इसके बहुत मुश्किल से नया अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन किया। टोटल मैंने 5 ट्रांजेक्शन किए न्यू अकाउंट से और मैंने 5 ट्रांजेक्शन जो किए न्यू अकाउंट से उसमें भी मुझे क्या मिला, यही मिला यार, कुछ नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। यहाँ पे ये महाशय बोल रहे हैं कि आपको रात के 12 बजे 1 बजे, यानी कि आपको आधी रात को ट्रांजेक्शन करने हैं, तो इससे आपको जो स्क्रैच कार्ड में पैसे मिलेंगे वो जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे बोल रहा है। तो मैंने मेरा पूरा पर्सनल काम छोड़ के रात को 12, 1, 2, 3 बजे सभी ट्रांजेक्शन ट्राई किया, तो मुझे क्या मिला, बस यही मिला और कुछ नहीं मिला। तो चलिए मैं बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। तो यहाँ पे ये महाशय बोल रहे हैं कि आपको ये सभी स्क्रैच कार्ड मंडे को अर्न करना है और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपको ये सभी स्क्रैच कार्ड कब स्क्रैच करने हैं। तो इसको आपको स्क्रैच करना पड़ेगा सैटरडे या फिर फ्राइडे को या फिर संडे को। तो मैंने इस ट्रिक को भी ट्राई किया, मैंने सभी स्क्रैच कार्ड को सैटरडे को स्क्रैच किया, तो मुझे क्या मिला, यही मिला यार, कुछ नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो यहाँ पे महाशय ये बोल रहे हैं कि आपको स्क्रैच करने से पहले थोड़ा सा वेट करना है, यानी कि स्वाइप बैक एंड फोर्थ टू सी इफ यू हैव वॉन, ये मैसेज आना चाहिए, तो उसके बाद ही आपको स्क्रैच करना है, तो इससे आपको पैसे मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने इसे भी करके देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही दिखा रहा है। तो ये सभी 5 ट्रिक्स जो मैंने बताया आपको, ये सभी बेकार है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप अपना फालतू में टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो आप मुझे पूछोगे कि स्क्रैच कार्ड में पैसे पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल सा बताता हूँ मैं, कुछ भी करना नहीं है, बस ट्रांजेक्शन करते रहिए, अगर आपको पैसे मिले तो मिले और नहीं तो नहीं। तो बेसिकली आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये स्क्रैच कार्ड में जो पैसा मिलता है पूरा सिस्टम का एल्गोरिदम से चलता है, यानी कि इसके बारे में कोई जानता नहीं है कि ये कब और कैसे आपको पैसे देता है। इसके गूगल के एम्प्लॉयज ही आपको बता सकते हैं कैसे आपको पैसे मिलता है स्क्रैच कार्ड के जरिए, बट ये गूगल के एम्प्लॉयज भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनके नौकरी जाने का भी खतरा रहता है। अब आप कहोगे कि ये लोग मुझे वीडियोस में प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि उन्हें इतना पैसा मिला, उनको 1 लाख रुपए मिला, ये मिला वो मिला, तो थोड़े लोगों को मिला हुआ है, बट इन ट्रिक्स से आपको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हो सकता है बस थोड़ा सा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा। और ये लोग सभी क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग में इनको सब एडिट करते हैं और आपके सामने इनको रखते हैं ताकि अपने चैनल का ग्रो हो और उनके वीडियोस का व्यूज ज्यादा बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आपके मन में कुछ सवाल है और आपके पास ऐसे नए वाले ट्रिक्स है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही।